एयरपोर्ट पर मोदी के स्वागत के लिए जाएगा सिर्फ एक मंत्री। यशवंत सिन्हा को ले ले सीएम केसीआर समेत पूरा मंत्रिमंडल पहुंचेगा। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं न्यूज टुडे 24। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। एयरपोर्ट पर मोदी के स्वागत के लिए जाएगा सिर्फ एक मंत्री। यशवंत सिन्हा को ले सीएम केसीआर समेत पूरा मंत्रिमंडल पहुंचेगा। एयरपोर्ट पर मोदी के स्वागत के लिए जाएगा सिर्फ एक मंत्री। यशवंत सिन्हा को ले सीएम केसीआर समेत पूरा मंत्रिमंडल पहुंचेगा। तेलंगाना में सत्तारूढ़ टीआरएस और विपक्षी भाजपा के बीच सियासत गर्म है। इसी बीच आज भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में हिस्सा लेने पीएम नरेंद्र मोदी आज हैदराबाद पहुंचेंगे। दूसरी ओर विपक्ष के साझा राष्ट्रपति प्रत्याशी यशवंत सिन्हा भी हैदराबाद के बेगमपेट एयरपोर्ट पहुंचेंगे। मोदी के स्वागत के लिए राज्य का सिर्फ एक मंत्री जाएगा, वही सिन्हा को लेने सीएम केसीआर समेत पूरा मंत्रिमंडल जाएगा। पीएम मोदी के पहुंचने से कुछ घंटे पहले सिन्हा बेगमपेट एयरपोर्ट पहुंचेंगे, वहां उनका राज्य सरकार की ओर से भव्य स्वागत किया जाएगा। खुद सीएम केसीआर और उनके सारे मंत्री इस मौके पर मौजूद रहेंगे। उधर पीएम मोदी की अगवानी के लिए राज्य सरकार की ओर से केवल एक मंत्री एयरपोर्ट जाएगा। आमतौर पर जब प्रधानमंत्री किस राज्य की राजधानी में पहुंचते हैं तो राज्यपाल के अलावा सीएम व प्रदेश के मंत्री भी एयरपोर्ट जाकर उनका स्वागत करते हैं। केसीआर पहले भी पीएम मोदी के दौरे के वक्त एयरपोर्ट जाने से परहेज कर चुके हैं। तीसरी बार प्रोटोकॉल का उल्लंघन 6 माह में यह तीसरा मौका है जब सीएम केसीआर पीएम मोदी की यात्रा के दौरान प्रोटोकॉल का पालन नहीं करेंगे। इससे पहले पीएम मोदी इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस की 20वें वार्षिक समारोह में भाग लेने तेलंगाना आए थे, तब केसीआर बेंगलोर चले गए थे। इससे पहले फरवरी में हुई पीएम की हैदराबाद यात्रा के दौरान भी केसीआर उनकी अगवानी के लिए नहीं पहुंचे थे। केसीआर ने राष्ट्रपति चुनाव में सिन्हा के समर्थन का ऐलान किया है। तेलंगाना के सीएम व टीआरएस के प्रमुख राव ने सिन्हा को विपक्ष का साझा प्रत्याशी बनाने में अहम भूमिका निभाई है। 18 जुलाई को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में सिन्हा का मुकाबला केंद्र में सत्तारूढ़ राजग के प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू से है। मुर्मू को बीजद अकाली दल समेत कई अन्य राजग दलों का भी समर्थन प्राप्त है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज़ टुडे 24।